हाय गाइस, दिस इज सुपरमैन, आप देख रहे हैं जीरो आवर्स। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्या पानी के अंदर सिग्नल मिलता है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक ग्लास का कंटेनर हम लोग के पास है और उसके अंदर भर भर के मैंने पानी भर दिया। इतना भर दिया है कि ओवरफ्लो होने के बाद भी ओवरफ्लो हो रहा है। फोन की जरूरत पड़ेगी तो ये वाला फोन हम लोग यूज करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे, तो मैं इस फोन को पानी में घुसा दूंगा, उसके बाद इस फोन में मैं कॉल करके देखूंगा। अगर नेटवर्क मिलता है तो एक्सपेरिमेंट है, सक्सेसफुल भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। तो हम लोगों ने फोन को पानी में भिगो दिया है, मतलब ग्लास कंटेनर में डाल दिया है और देखने में कुछ इस तरह का लग रहा है। आपको लग रहा होगा कि फोन अंदर नहीं है, लेकिन फोन अंदर है, विश्वास कीजिए। ठीक है, तो हम लोग इस फोन से फोन करके देखते हैं उसे कि कितना अच्छा सिग्नल मिलता है कि नहीं। अरे लॉग, ए पासवर्ड नहीं दिखा। ठीक, तो ये रहा नंबर, नंबर भी ब्लर कर दिया जाएगा और इससे लगेगा दूसरे का फोन है। हाँ चलिए, यहाँ पर कॉल जा रहा है और देख सकते हैं वहां पर, जैसा कि देख सकते हैं वहां फोन लग गया है क्योंकि वहां पर हाथ का एक आइकॉन आ गया है जो कि प्रॉक्सिमिटी सेंटर सेंसर की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नेटवर्क बन रहा है। तो माफ करना दोस्तों, ये आपके साथ मैं स्कैम कर रहा था। तो दोस्तों, मजाक एक तरफ और सच्चाई एक तरफ, तो आज हम लोग सच में चेक करने वाले हैं क्या अंडरग्राउंड में, अंडर वाटर में हम लोग को सिग्नल मिलता है कि नहीं। तो इस तरह का एक सस्ता फोन यूज करने वाले हैं, सस्ता फोन लेंगे और उसमें इस तरह कंटेनर में डाल देंगे और इसके ढक्कन में मैंने थोड़ा रबड़ लगा कर रखा हुआ, थोड़ा वाटर प्रूफ बना रहा है, और इसे अच्छे से टाइट कर देंगे। और अभी हम लोग फोन करके देख लेते हैं कि डब्बे के अंदर सिग्नल पकड़ रहा है कि नहीं। तो चलिए फोन करते हैं। तो फोन लगा लिया है और देखते हैं कि बजता है कि नहीं। और ये देख सकते हैं फोन लग गया। तो अब हम लोग इसे पानी में डुबा के चेक करते हैं कि क्या होता है। थोड़ा सा टेस्टिंग के बाद पता चला कि ये उतना वाटर प्रूफ नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, फोन को बहुत सारे प्लास्टिक में लपेट दिया और उसके बाद इसे अच्छे से टाइट कर दिया। तो अब लगने में आ रहा है थोड़ा सा वाटर प्रूफ निकल जाएगा। तो अभी हम लोग फोन करके देखते हैं कि लग रहा है कि नहीं। अभी सुन सकते हैं एक छोटा सा गाना बज रहा है डब्बा के अंदर से और यहाँ पर रिंग हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसे बांध देते, थोड़ा उसमें वेट लगाते हैं, यहाँ पर थोड़ा पत्ते लटकाते हैं, उसके बाद इसे हम लोग अंदर डाल के देखते हैं। तो हम लोगों ने इस डब्बे में वेट लटका दिया है और इसमें बहुत सारे पत्थर भर दिए हैं वेट के लिए। ठीक है, अच्छा खासा भारी है। तो हम लोग यहाँ पर ऊपर में एक रस्सी बांध देंगे और कुआं में, इतने बड़े कुआं में हम लोग डुबा देंगे। कितना गहरा है मेरे को नहीं पता, लेकिन गहरा बहुत है, कुछ ज्यादा ही गहरा है। चलिए डुबाते हैं इसमें रस्सी बांध के। पूरा सेटअप रेडी है तो हम लोग इसे धीरे धीरे नीचे उतारते हैं। डुगु 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 डुगु। तो फ्रेंड्स, अभी ये पूरा नीचे जा चुका है और यहाँ पर मैंने नॉट बांध दिया है ताकि गहराई का पता चल जाए। जब हम इसे ऊपर खींचे तब हम लोग इसे नाप लेंगे कितना गहरा है। तो अभी हम लोग फिलहाल फोन करके देख लेते हैं। तो नंबर डायल करते हैं और स्पीकर में भी डाल देते हैं और देख रहे हैं कि बीप 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 कर रहा है बस, और देखते हैं कि क्या बोलता है एंड में। हो जा तो देवा, एंड हो जा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो ना कि अंडरग्राउंड में नेटवर्क नहीं मिलता है क्योंकि नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर बता रहे हैं और असल में हम लोग बगल में ही है। ठीक है, तो हम लोग इसे धीरे धीरे ऊपर खींचते हैं। तो अब हम लोग इसे फोन करके देख लेते हैं कि अभी लग रहा है कि नहीं। नीचे में तो नहीं लग रहा था, तो हम लोग फिर से फोन लगाते हैं। तो देख सकते हैं कि ऊपर में इसको टावर मिल चुका है, रिंग हो रहा है, और यहां पर भी देख सकते हैं कि बज रहा है। ये सुनाई तो दे ही रहा होगा आपको। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये हम लोग पूरा मतलब अलग कर रहे थे, अलग ही लेवल पे, ये टावर मिलता है कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं बाय किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, और मेरे साथ ये लड़का भी था।